हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 52 है। 6 से 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं ये उनके लिए वर्कशीट है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, और जो हमारी वर्कशीट की डेट लिखनी है वो आपको 3 सितंबर लिखनी है। और ये आपका कौन सी नोटबुक का काम है? साइंस की नोटबुक में आपको ये अपनी वर्कशीट कम्प्लीट करनी है। तो चलिए आज समझते हैं अपनी वर्कशीट के, हमारी वर्कशीट में आज क्या दिया गया हमारे लिए। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है प्रकृति में रंग, कि जो प्रकृति है उसमें हमें जो रंग हैं वो नेचुरल वे में मिल जाते हैं, लेकिन जो रासायनिक कलर्स होते हैं जो केमिकल्स मिलाकर बनाए जाते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे होली के त्यौहार पे हम एक दूसरों को कलर लगाते हैं, वो कलर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, स्किन पर बहुत दिनों के लिए जम जाते हैं, और किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है तो रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो हमारे त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए हमें कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज की अपनी वर्कशीट। रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है। रासायनिक रंग मतलब जिनमें केमिकल्स होते हैं, ऐसे कलर जिनका निर्माण कि वो जो जैसे बनाए जाते हैं और उनके उपयोग से जो हम अपनी डेली लाइफ में जो उसका यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जीवन जो होता है उसमें खतरा ही पैदा होता जाता है। और साथ ही वे नदी तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। कौन करते हैं? जो केमिकल्स वाले कलर होते हैं वो नदियों को, तालाबों को, सभी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले 6th क्लास में, 7th क्लास में, कि जो गुफाएं थी उनमें क्या होती थी, चित्रकारी की गई थी, और उन चित्रकारियों में कैसे रंग भरे गए हैं, प्राकृतिक रंग भरे गए हैं। तो जो गुफाएं थी प्रारंभिक मतलब पहले जो प्राचीन काल में जो गुफाएं थी उनमें जो चित्र बनाए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है, उनसे साफ होता है कि आधुनिक युग तक, आज तक का जो युग है, पौधों के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों मतलब रंगों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, कपड़ों को रंग करने के लिए, मूर्ति रंगने, मूर्तियों को कलर करने के लिए, दीवारों पर चित्रकारी, दीवार पे पेंटिंग करने के लिए आदि के लिए किया जाता था। कि क्या होता था पहले, कि पहले की जो हमने गुफाएं देखी थी उनमें क्या होता था, जो प्रारंभिक चित्र होते थे उन पे प्राकृतिक रंग भरे हुए होते थे। और आज तक भी क्या होता है, आज भी हम नेचुरल कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, जो प्रारंभिक हमारा जो प्राचीन टाइम था, जो आदि मानव था, वो कैसे रंगों का प्रयोग करता था, पौधों के भागों व जो पौधों के भागों से जो कलर हमें मिलते हैं, जैसे जो टहनियाँ होती हैं उनमें से जब हम उनको कागज़ पे घिसते हैं तो कैसा कलर निकलता है, ग्रीन कलर निकलता है। पृथ्वी के खनिजों से, और पृथ्वी के जो खनिज होते हैं, खनिज कहाँ मिलते हैं, पठारीय क्षेत्र में, पठारों को खनिजों का भंडार बोला जाता है, तो वहाँ से जो खनिज निकलते हैं उनके जो प्राकृतिक नेचुरल जो रंग होते हैं, रंजकों मतलब रंगों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किन किन कामों में किया जाता था, कलाकृतियों, जो ड्राइंग्स की जाती थी, कपड़े कलर्स को, कपड़े जो कपड़े होते थे उनको कलर्स करने के लिए, मूर्तियों को कलर्स करने के लिए, दीवारों पर रंग करने के लिए, इन सभी के लिए हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा होता है। जो भी रंग हमें प्रकृति से मिलता है वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग होता है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। मुख्य रूप से कौन से, जो रंग हमें पौधों से और मिट्टी से मिलते हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रंग बोलते हैं, नेचुरल कलर्स बोलते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं होता है। जैसे देखते हैं, रसोई घर के साधारण सामान से भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। अब हमारी रसोई को ही लीजिए, वहाँ रसोई में भी बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिससे हम प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। जैसे हल्दी से कैसा रंग मिलता है, पीला रंग मिलता है। चुकंदर से कैसा रंग मिलता है, चुकंदर से गुलाबी रंग और लाल रंग मिलता है। या भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी, किसके लिए, लाल रंग ये हो गया, या फिर जो भूरा रंग होता है वो हम किससे मिलता है, या तो हमें कॉफ़ी से मिलता है, और या फिर जो हमारे गार्डन की जो मिट्टी होती है उससे भी हमें भूरा रंग मिलता है।
प्राथमिक रंगों, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, नीला व पीला, इनको प्राथमिक रंग बोला गया है कि इन रंगों को मिला के हम कैसा भी कलर बना सकते हैं, को मिलाकर अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, इन इमेजेस से हमें पता चलता है, जैसे देखो ये यहाँ पर सारे चित्र दिए गए हैं कि ये कैसे कैसे कलर दे रहे हैं। चुकंदर से लाल रंग मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी से लाइट रेड मिल रहा है, हल्दी है इससे हमें येलो कलर मिल रहा है, उसके बाद ऑनियन है, प्याज है, कॉफ़ी है, पालक है, ये बहुत सारे पौधे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये लाल बंद गोभी है और ये एक फूल दिया गया है, तो जिससे हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं। तो अब देखो अब आगे क्या बताया गया है, लाल रंग, लाल रंग हमें किस किस से मिलता है, चुकंदर से, गुलाब की पंखुड़ियों से और स्ट्रॉबेरी आदि से हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। उसके बाद है नीला रंग, नीला रंग हमें किस से मिलता है, जो लाल पत्ता गोभी है ये वाली, मैजेंटा युक्त नीला और नील, जो वोर्ड कलर का पौधा होता है जिससे नील बनाया जाता है, इनसे हमें क्या मिलता है, नीला कलर मिलता है। पीला, पीला किससे मिलता है, हल्दी से, केसर से, गेंदे का जो फूल होता है गेंदे से, और चाय की जो पत्तियां होती हैं उनसे हमें पीला रंग मिलता है। यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। यदि इसने क्या बोला कि यदि हम एक बार इन प्राकृतिक रंगों का, जो चीज़ें हमारी किचन से या हमारे गार्डन से हमें मिल जाती हैं, यदि उन रंगों का प्रयोग हम करते हैं तो हम क्या होंगे, उस प्राकृतिक सुंदरता के मुंह में पड़ जाएंगे कि वही कलर्स हमें अच्छे लगेंगे, फिर जो केमिकल्स वाले कलर हैं वो हमें बेकार दिखेंगे, वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। आइए अब कोशिश करें, हर उत्सव का लक्ष्य हो कि जो भी त्यौहार या कोई भी उत्सव हम मनाते हैं उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, गो ग्रीन, मतलब हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, केमिकल्स वाले कलर्स का, रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। हमें कहाँ कहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना है, होली के समय पे, कोई जब हम रंगोली बनाते हैं, मूर्तियों की सजावट करते हैं, कागज़ पर कोई पेंटिंग करते हैं आप ड्राइंग फाइल में, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना है। अब ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट, इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें वो जो सही विकल्प हैं चुनने हैं। सही विकल्प का मतलब है कि जो यहाँ पर सही है उसको चुनना है और जो ठीक है उसको हमें नहीं चुनना है, वो गलत है। रंग जो हानिकारक होते हैं, कौन से रंग हमारे लिए हानिकारक होते हैं, रासायनिक रंग या प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो कौन से रंग हानिकारक होते हैं, रासायनिक रंग हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लाल रंग मिलता है, लाल रंग किससे मिलता है, हल्दी से, तो हमें पीला रंग मिलता है, और लाल रंग किससे मिलेगा, चुकंदर से हमें लाल रंग मिलता है। गो ग्रीन का मतलब है, अब जो गो ग्रीन का मतलब क्या बताया था, कि हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना है, तो ऐसे रंगों का पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें, ये इसका ठीक आंसर होगा। हमेशा हरा पहने ये नहीं होगा। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि कागज़ पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। अब आपको क्या करना है कि हमें नेचुरल कलर्स का प्रयोग करते हुए क्या बनानी है, एक ड्राइंग बनानी है, या तो मिट्टी लेकर, क्ले लेकर और एक मूर्ति बनानी है और फिर उसमें प्राकृतिक रंगों को भरना है, या फिर आप कागज़ पर एक सुंदर चित्रकारी करेंगे और उसमें प्राकृतिक रंगों को भरेंगे, जैसा कि ये जो पिक्चर है यहाँ पर दिखाया गया है कि इन्होंने क्या किया है, कागज़ पर पेंटिंग की है और यहाँ पर सुंदर सी पेंटिंग बनाकर उसमें कलर्स किया गया है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपके कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।